शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, अलंकार के पिछले वीडियो में आपने अलंकार के बारे में जाना तथा अलंकार के भेदों के बारे में जाना एवं शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास के बारे में आपने पढ़ा। तो बच्चों, आज हम शब्द अलंकार के अन्य भेद यमक अलंकार और श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। अथवा जिस प्रकार अनुप्रास में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार यमक अलंकार में भी किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मा दगता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। स्पष्टीकरण, यहां पर कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अर्थात सोना पाकर के भी व्यक्ति आपा खो देता है और धतूरा खाने से भी व्यक्ति अपनी सुधबुध खो देता है। तो यहां पर कनक शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यही कारण है कि यहां पर यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण, माला फेरत जुब गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लेनी। यहां पर मन का से तात्पर्य है माला के मोती से, और दूसरे मनका का तात्पर्य है मन की भावनाओं से। दूसरे उदाहरण में बेनी का तात्पर्य है कि कवि की तरफ इशारा करना, संकेत करना, और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी से। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ दे, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहां एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। स्पष्टीकरण, यहां पर पानी शब्द के तीन अर्थ बताए गए। पहले अर्थ में, पानी के अर्थ में चमक, दूसरे पानी के अर्थ में सम्मान, और तीसरे पानी के अर्थ में चूना। अन्य उदाहरण, चरण धरत चिंता करत, चित्तवत चारह ओत, शुभरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चो। स्पष्टीकरण, शुभरन के तीन अर्थ हैं, सुंदर वर, सोना, अच्छे शब्द। पानी गए ने उबरे मोती मानुषु, पानी के तीन अर्थ हैं, मोती के अर्थ में चमक या कांत, मनुष्य के अर्थ में मानुष या इज्जत, चूने के अर्थ में साधारण पानी से। तो बच्चों, आज बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, जहां एक शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो,
परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आपके विकल्प हैं का रूपक अलंकार, खा अनुप्रास अलंकार, गा यमक अलंकार, घा श्लेष अलंकार। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा यमक अलंकार। आपका अगला प्रश्न है, रहिमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। आपके विकल्प हैं का श्लेष अलंकार, खा यमक अलंकार, गा उत्प्रेक्षा अलंकार, घा उपमा अलंकार। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा का श्लेष अलंकार। आपका अगला प्रश्न है, श्लेष का अर्थ होता है? आपके विकल्प हैं का बिखरा हुआ, खा चिपका हुआ, गा गिरा हुआ, घा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा चिपका हुआ। आपका अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। का अनुप्रास अलंकार, खा यमक अलंकार, गा श्लेष अलंकार, घा रूपक अलंकार। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा यमक अलंकार। आपका अगला प्रश्न है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में अस्मृत सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। का रूपक अलंकार, खा अनुप्रास अलंकार, गा श्लेष अलंकार, घा उपमा अलंकार। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा श्लेष अलंकार। आपका अगला प्रश्न है, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाए के सारंग कई गए चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार है? का उपमा अलंकार, खा उत्प्रेक्षा अलंकार, गा रूपक अलंकार, घा यमक अलंकार। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा यमक अलंकार। प्रश्न अभ्यास लघुत्तरी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, शेष अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।